फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रोडक्ट्स लेके आ गई हूँ, मैं आपके उसके रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। और जस्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जस्ट बताना चाहती हूँ कि मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड किया है जो कि गमीज है पूर्णा बेनिफिट, पूर्णा के ऊपर मतलब वो प्रोडक्ट है पूर्णा, एंड उसके मैंने उसका जो रिव्यू शेयर किया है वो स्पेशली फेस और बालों के लिए है। तो अगर आपके भी फेस और बाल में कुछ इश्यूज है या हेयर फॉल वगैरह हो रहे हो तो आपको जस्ट मेरा वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको उससे पता चल जाएगा फेस और हेयर के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो जस्ट मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ आज। सो ये मैंने जो प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ये फर्स्ट क्राई से मंगाया है। आप लोगों को सब पता ही होगा कि बेबीज़ के जितने भी कलेक्शंस अच्छे और क्वालिटी जो भी अच्छी मिलती है वो फर्स्ट क्राई में ही मिलती है। मतलब मेरा जो अब तक का जो एक्सपीरियंस है लास्ट 2 इयर्स से, मैंने जितने भी अपने बेबीज़ के जितने भी कपड़े ऑर्डर किए हैं वो सिर्फ फर्स्ट क्राई से ही किए हैं। सो और इस फर्स्ट क्राई के बेनिफिट्स क्या होते हैं पता है? कि बेबी के जितने भी कपड़े होते हैं ना, एक तो वो एकदम सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल इचिंग नहीं होता है, चुभता नहीं है, और अपने बेबी से बहुत कंफर्टेबल होते हैं उस कपड़े में। तो जस्ट मैं आपको मैंने जितने भी कपड़े अभी रिसेंटली ऑर्डर किए मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। सो ये भी मैंने बेबी हक का मंगाया है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आपका बेबी 2 इयर्स का है सो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 3 to 4 इयर्स का मंगाओ, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी कपड़े मंगाए हैं वो बेबीज़ एग्जैक्ट एज लोगे तो वो बेबीज़ के कपड़े छोटे पड़ जाएंगे। हो सकता है शायद मेरे बेबी का हाइट या हेल्थ कुछ ज़्यादा ही बेटर है, इस वजह से मुझे हमेशा एक साइज़ बड़ा मंगाना पड़ता है। तो ये मैंने एक नॉर्मली एक नाइट वेयर लिया है, आप देख सकते हो इसके लेंथ भी काफ़ी अच्छी। और एक चीज़ कैसा है ना, आप एक साल अगर आप एक एज बड़ा मंगाते हो तो क्या एटलीस्ट कुछ टाइम तक आपका बेबी वो कपड़ा यूज़ कर सकता है, नहीं तो अगर एकदम एग्जैक्ट कट टू कट साइज़ आप लोगे तो आप हार्डली कुछ मंथ्स अपने बच्चों को पहना पाओगे। सो ये देखिए, ये एकदम सिंपल में है और इसकी जो क्वालिटी होती है ना कपड़े की, ये प्योर कॉटन है, ये ज़रा सा भी इचिंग नहीं देगा कुछ, मतलब आपके बेबी को चुभन नहीं होगा कुछ नहीं, वो काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा इस कपड़े में। मेरे बेबी को तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है कपड़े के मामले में, उसको ज़रा सा भी मतलब चमकी रहे, सितारा रहे, कुछ भी रहे उसको पसंद ही नहीं है, वो सीधा निकाल के फेंक देती है। सो एक ये मैंने मंगाया है। फिर ये एक सेट आया है, ये भी मैंने बेबी हक का ही है। सारे जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ सब बेबी हक के ही है। सो ये देखिए, ये टॉप है, ये भी बेबी हक का ही है, 3 to 4 का है, ये भी प्योर कॉटन है। इसके प्रिंट भी ऐसे है ना कि बिल्कुल निकलेंगे नहीं, आप कितना भी वॉश करो, कितना भी रफ यूज़ करो, इसके प्रिंट बिल्कुल भी नहीं निकलते। और ये सेट ही था इसके साथ फुल जीन्स। और सबसे बेस्ट पार्ट बताऊँ मैं आप लोगों को, मुझे ये सारे कपड़े जो भी मैंने ऑर्डर किए मुझे 60% ऑफ में मिला है, जो कि कहीं नहीं मिलता है, कोई भी शॉप वाला भी नहीं देता है आपको। नॉर्मली आप शॉप में भी जाओगे परचेस करने के लिए वो आपको हार्डली कितना देगा, 10%, 15% या 20%, उससे ज़्यादा आपको कोई भी डिस्काउंट नहीं देता है। बट फर्स्ट क्राई में मैं एनी टाइम परचेस करूँ मुझे एनी टाइम 50 to 60% डिस्काउंट मिलते ही मिलते हैं। अगर मैं आपको इसका एक्चुअल MRP बता दूँ कितना है ये कपड़े का, ये 1100 का कपड़ा है, बट आप लोग मानोगे ये मुझे सिर्फ 400 रुपये में पड़ा है विथ जीन्स। ठीक है, ये मेरा सेकेंड कलेक्शन था। फिर ये एक और मैंने जीन्स का ही सेट लिया है, ये देख सकते हो आप, ये भी इसके कपड़े इतने सॉफ्ट है और प्योर कॉटन है, और आप कितना भी इसको वॉश करो इसके जो कपड़े रुआ वगैरह जो छोड़ता है ना, इसमें आपको कुछ भी इशू नहीं आता है। कितना भी यूज़ करो, कितने बार भी पहनो, कितना भी वॉश करो, इसका कपड़ा वैसे का वैसे ही रहता है, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि हाँ आपके कपड़े पुराने हो गए। ये एक टॉप है, और ये देखिए, ये मैंने एक लाइट ब्लू कलर का जींस था तो मैंने एक डार्क ब्लू कलर का मंगा लिया, ये भी काफ़ी अच्छे है, डार्क ब्लू है। और इसका ये भी कैसा है कि आप कितना भी वॉश करो इसके कलर वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाते हैं फर्स्ट क्राई के। फिर मैंने ऐसे कुछ टॉप्स है, मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देती हूँ। मैंने कुछ थोड़ा पार्टी वेयर भी मैंने कपड़े मंगाए हैं जो कि सिंपल पार्टी वेयर है, बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए बस। नॉर्मली हम शॉप में जाते हैं तो हमें काफ़ी जगह मगा मिलता है बच्चों का, जो बच्चे जल्दी पहनते नहीं हैं। ये देखिए, ये फुल हैंड के टी शर्ट है, ये भी एकदम प्योर सॉफ्ट है, ये बेबी ओए का है। फर्स्ट क्राई में ना दो ब्रांड मैं हमेशा रेकमेंड करूँगी आप लोगों को, एक बेबी हब और बेबी ओए।
बेबी ऑयल थोड़ा सा कॉस्टली है कंपेयर टू बेबी हेयर। ये इसका टॉप है और ये इसके ऊपर हम जो डंगरी पहनते हैं ये वो है। प्यारा लग रहा है ना, देखिए बहुत प्यारा है। ये भी एकदम प्योर कॉटन है, सिंपल है, सोबर है, आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो और अगर आप किसी फंक्शन या पार्टी में जा रहे हो आप वहाँ पे भी ये यूज़ कर सकते हो। ये भी मुझे 60% के डिस्काउंट में ही मिला है। फर्स्ट क्राई के ना ही सिर्फ कपड़े, कपड़े के अलावा आप कुछ भी बेबी का परचेज करना चाहते हो, ऑयल, शैम्पू और उसके जितने भी सोप वगैरह है सब कुछ आपको 50-60% ऑफ में आपको मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये भी देखिए फैंसी में ही है पार्टी वेयर और ये ऐसे फ्रॉक है, प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारी। और मैंने जामुच के बड़ा ही साइज लिया है ताकि मैं उसको आराम से बाद में यूज़ कर सकूँ। और ये भी इसके भी कपड़े, ये भी बेबी ओए का है, कपड़े एकदम सॉफ्ट है, प्योर कॉटन है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा बच्चों को। ये भी एक फ्रॉक टाइप का ही है, फ्रॉक है, सिंपल सोबर फ्रॉक, मस्त है ना। ये बेबी हग का है, मैंने कुछ नाइट सूट भी मंगाए हैं वो भी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। ये प्योर कॉटन, इसके पैंट बहुत प्यारे हैं, साइज बड़ा ही है मेरे बेबी के हिसाब से, जो बहुत ही पसंद आया है। मैंने कुछ रेगुलर वेयर के कपड़े भी ऑर्डर किए हैं, रेगुलर वेयर से मतलब प्लेन टी शर्ट हो गए, हाफ पैंट्स हो गए, देखिए प्लेन टी शर्ट है, एकदम सॉफ्ट, एकदम ज़रा सा भी ना ये मतलब डिज़ाइन देते हैं कपड़े पे बट आपको ऐसा फील नहीं होगा पहनने के बाद कि ये छुप रहा है बच्चों को, एकदम सॉफ्ट है। फिर ये देखिए एक मैंने सेट मंगाया है, मतलब ऐसे घर पर पहनने के लिए, एक सादा टी शर्ट है। फर्स्ट टाइम में ना नॉर्मली आपको जो कपड़े मिलेंगे ना वो पिंक एंड ब्लू है, पिंक ब्लू येलो रेड, जो ज़्यादातर एनी टाइप के बच्चों पे सूट हो जाए। अलग अलग कलर्स भी आपको मिलते हैं बट वो आप देख सकते हो। ये पैंट है उसकी, बहुत ही प्यारा टी शर्ट है, कुछ यूनिक कलर मिला मुझे, मस्त है। इसके ये भी जो सितारे लगे हुए हैं ना, ये मतलब पता ही नहीं चलता कि टी शर्ट में सितारा लगा हुआ है। इसके बेस्ट पार्ट क्या होते हैं पता है, ये जब कुछ ऐसा फैंसी वर्क देता है ना तो ये अंदर ना ऐसे डबल कपड़े दे देते हैं। ये देखिए पूरे नेट प्योर एकदम सॉफ्ट नेट से कवर किया हुआ है कि बच्चों को फील ही नहीं होगा कि उन्होंने कुछ जगह मंगा या कुछ सितारे टाइप के पहने, उनको चुभन भी बिल्कुल भी नहीं होगा। और भी मैंने ऐसे कुछ फैंसी वेयर मंगाए थे जो मुझे रिसेंटली यूज़ करना पड़ा, तो मैं वो इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। देखिए ये भी सादा टी शर्ट है, प्लेन रेगुलर वेयर कपड़े, एकदम सॉफ्ट है, बच्चों को जैसे चाहिए रहता है कार्टून का प्रिंट ये, और ये प्रिंट भी ऐसा है ना आप कितना भी इसको वॉश करो ये निकलेगा ही नहीं। फिर कुछ मैंने ऐसे हाफ पैंट्स मंगाए ऐसे घर के लिए, सादा है, मतलब ये ऐसे पैंट्स है ना जो आप कोई भी कलर के टॉप्स पहना सकते हो, इस पर कोई मल्टी कलर के लिए ताकि कोई भी टी शर्ट हो इसमें आराम से जा सकता है।
ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको सिलेक्टेड ही कपड़ा टॉप्स इस पर पहना सको। फिर ये एक और ऐसे पैंट है, सेम मल्टी कलर के हैं, देखिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है और कपड़े तो इतना सॉफ्ट है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मेरा तो पर्सनली रिकमेंडेशन है कि अगर बच्चों के कपड़े ख़रीदने हैं तो फर्स्ट क्राई से ही लीजिएगा। एक तो सस्ते की सस्ते मिल जाते हैं और कपड़े की जो क्वालिटी होती है ना, मतलब ज़बरदस्त। ये देखिए, मतलब ऐसा हाल होता है ना कि कपड़े बच्चों को छोटे हो जाते हैं लेकिन कपड़े ख़राब नहीं होते, वैसे के वैसे ही रहते कपड़े। ये एक और हाथ पैंट है, ठीक है। सो ये था मेरा आज का कलेक्शन जो कि फर्स्ट क्राई से था, स्पेशली डिस्काउंट रेट में जो मुझे सारे मिले हैं। एक और नाइट सूट है यहाँ पे, ये देखिए, ये जस्ट मैंने बाहर निकाले थे, ये भी बहुत प्यारा है, फुल हैंड के और एकदम सॉफ्ट। और बच्चों को कैसे है ना, स्पेशली रात के लिए उनको ना एकदम सॉफ्ट कपड़ा चाहिए ताकि उनका मतलब उनको सोने में कोई इशू ना हो, ठीक है। सो ये था मेरा आज का कलेक्शंस, ये जो मैंने आप लोगों से शेयर की हूँ, मैंने इतने सारे कपड़े फर्स्ट क्राई से जो मंगाए हैं। और मेरा मैं आप लोगों से भी बताना चाहूँगी, अगर आपके भी घर में बच्चे हैं, गर्ल हो या बॉय हो, डजंट मैटर, आप फर्स्ट क्राई पे जाइए, फर्स्ट क्राई से आप परचेज कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छे कलेक्शंस भी ना, उनके पास बहुत सारे वैरायटी होती है, आप समर के अलग मिलते हैं, विंटर के अलग मिलते हैं, अगर आपको पार्टी वेयर चाहिए या नॉर्मल वेयर चाहिए, आप अलग अलग फिल्टर करके आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का कलेक्शंस, आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही बहुत सारे मैं आप लोगों के साथ वीडियोस लेके आती रहूँगी, चाहे बेबीज़ को हो गए, मदर्स के हो गए, बहुत सारे कलेक्शंस मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।